जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेरी विद डॉक्टर में। आज बात करते हैं हम पशुओं में यूज़ किया जाने वाला हाईटेक इंजेक्शन के बारे में, जो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी बीमारियों में कौन कौन से पशुओं में उपयोग किया जाता है, इसकी क्या डोज है, प्रेगनेंसी सेफ है या अनसेफ है, इन सभी के बारे में हम वीडियो में अंदर डिटेल से जानेंगे। चलिए आइए तो बात करते हैं आज हम हाईटेक इंजेक्शन के बारे में। लोग हाईटेक को ही क्यों पसंद करते हैं? अन्य आइवरमेक्टिन साल्ट के भी इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल है, तो इसकी खास बात यह है कि यहाँ एक्सटर्नल और इंटरनल, आंतरिक और बाहरी दोनों परजीवियों के विरुद्ध सबसे बेहतरीन कारगर सिद्ध होता है और उनको नियंत्रण करने में भी बहुत मदद करता है। इसके उपयोग की बात करें तो हम एक्सटर्नल पैरासाइट और इंटरनल पैरासाइट दोनों तरह के पैरासाइट को किल करने में किया जाता है। एक्सटर्नल पैरासाइट की बात करें तो हम जिन्हें हम हिंदी में बाहरी परजीवी कहते हैं, जू, कीचड़, किलनी, गिचौड़ी आदि, इनसे किसान बहुत परेशान रहते हैं, तो इनको ख़त्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और त्वचा में लाल धब्बे या चत्ते बन जाते हैं, खुजली होना पशु को, लाल धब्बे, छोटे छोटे दाने बन जाना शरीर पे, और स्किन और मसल्स में कीड़े पड़ जाना, उसके लिए भी इसका बेहतरीन उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं हम एंडोपेरासाइट या आंतरिक परजीवी के बारे में, तो उसमें आई वर्म जो आँखों में कीड़े पड़ जाते हैं, उसके बाद लंग वर्म आँतों में, पशु की आँत में कीड़े पड़ जाते हैं, जिसे हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल राउंड वर्म कहते हैं, आँतों में कीड़े पड़ना, और उसके बाद लंग वर्म फेफड़ों में कीड़े पड़ जाना आदि, इनको ठीक करने के लिए या उनको किल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, बेहतरीन उपयोग देखने को मिलता है हमें। अब बात करें इसके डोज के बारे में, तो गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली में इसकी डोज है 1 ml प्रति 50 किलो बॉडी वेट के हिसाब से। और इसके रूट की बात करें तो हम यहाँ ओनली सबकट लगता है, इसको इंट्रावीनस और इंट्रामस्कुलर कभी भी यूज़ में नहीं लेना है, जिससे पशु की मौत भी हो सकती है। और साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके पशु को बुखार आ जाता है थोड़ा थोड़ा, खाना पीना भी कम कर देता है, और जहाँ पर इंजेक्शन लगाते हैं वहाँ गांठ बन जाती है, उस गांठ को ठीक करने के लिए हम बर्फ़ से सिकाव करना चाहिए, 1-2 दिन में बैठ जाएगी अपने आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो हम प्रेगनेंसी में भी इसका यूज़ नहीं लेना है, इसको लगाने से पशु को इरिटेशन होता है, जलन होती है बहुत तेज, जिससे अबॉर्शन होने की संभावना बढ़ जाती है, रिस्की काम रहता है, इसलिए प्रेगनेंसी में इसको यूज़ नहीं लेना है। और मार्केट में इसकी उपलब्धता की बात करें तो हम 1 ml 5 ml वायल में उपलब्ध रहता है, 10 ml में रहता है, उसके बाद 50 ml की वायल में उपलब्ध रहता है, और 100 ml की वायल में उपलब्ध रहता है, यह मार्केट में आसानी से मिल जाता है, कोई समस्या नहीं आती है।